बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने गुरु पर्व की शुभ अवसर पर क्षेत्र की आम जनताओं के समस्या को हल करने एवं विधायक से सीधे आम जनता जुड़ सके इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस वेबसाइट के माध्यम से क्षेत्र के लोग अपनी समस्या विधायक तक पहुंचा सकेंगे। बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने गुरु पर्व की शुभ अवसर पर क्षेत्र की आम जनताओं के समस्या को हल करने एवं विधायक से सीधे आम जनता जुड़ सके इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। यह वेबसाइट का लॉन्च अपने विधायक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉन्च किया गया है, जिससे लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से विधायक से अपने समस्या, मांग, निमंत्रण सहित अन्य बातें कर सकते हैं। गुरु पर्व बाबा गुरु घासीदास जी के 18 दिसंबर जन्म जयंती के अवसर पर संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के 21 पवित्र अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। बिलाईगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म और तपोभूमि है, शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म स्थल है और ऐसे स्थल जहाँ संत और महापुरुष की धरती है। इस धरती ने हमेशा संत और महापुरुष जैसे शख्सियत को जन्म दिया है और बिलाईगढ़ के इस धरती से हमने एक वेब पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो यहाँ के रहवासी हैं, वनांचल क्षेत्र के लोग हैं, 160-170 किलोमीटर की दूरी पर पूरा क्षेत्रफल घिरा हुआ है, 700 किलोमीटर से अधिक की पूरी चारों तरफ की क्षेत्रफल। बिलाईगढ़ का जो भूभाग है, 400 से अधिक गाँवें हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा में 2 तहसीलें हैं, जिसमें 123 पंचायत बिलाईगढ़ का और 71 पंचायत कसडोल का आता है। 3 नगर पंचायत जिसमें बिलाईगढ़, भटगांव और कुंडरा है। इस बिलाईगढ़ क्षेत्र में लगभग यहाँ की क्षेत्रफल और यहाँ की जलवायु, यहाँ की धरातल, यहाँ की पठारी भाग, पहाड़ी भाग, जंगली भाग, यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमेशा विकास को लेकर काफ़ी उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई 0% सिंचाई है, अपन 90-95% भाग आज भी असिंचित क्षेत्र है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में एकलौता विधानसभा बिलाईगढ़ है जहाँ सिंचाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों को हमने देखा है, जब से मैं शिक्षक रहा हूँ, शिक्षक रहने के दरमियान मैंने पाया और देखा भी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की समस्या को मैंने देखा है। ज़मीनी तौर पर एक जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुँच पाते, ब्लॉक मुख्यालय से एक अंतिम छोटी दूरी 100-120 किलोमीटर से अधिक की दूरी होती है। बिलाईगढ़ से अंतिम दूर की हम बात करें, तालाधर गाँव है, जहाँ 1952 से लेकर आज तक किसी प्रत्याशी ने ना वहाँ वोट मांगने गया है, ना कोई जीत के गया है। हम उस गांव भी गए हैं, वहाँ हाथी क्षेत्र प्रभावित है। यहाँ एक अंजनिया जैसे गांव है जहाँ नक्सलवाद के लोग पहुँचे थे, आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया है, वहाँ भी हम गए हैं। लगभग 400 से अधिक गाँव में हमने दौरा किया है। बहुत जगह नेटवर्क है, नेटवर्क है, बहुत जगह नहीं, बहुत जगह तो लगभग 40% भूभाग में आज भी सड़कें नहीं है। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN 20।